प्रश्न संख्या 56, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। क प्रोटीन, ख चर्बी, ग खनिज, घ जल। आंसर होगा घ जल पानी। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होते हैं। क मूलरोम कोशिका, ख लाल रक्त कोशिका, ग प्लेटलेट्स, घ मोनोसाइट्स। आंसर होगा ख लाल रक्त कोशिका आरबीसी। प्रश्न संख्या 58, निम्न में से किसे कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं, आत्महत्या की थैली। क लाइसोसोम्स, ख राइबोसोम्स, ग डिक्टोसोम्स, घ फैगोसोम्स। आंसर होगा क लाइसोसोम्स। प्रश्न संख्या 59, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। क प्रकाश संश्लेषण, ख प्रोटीन संश्लेषण, ग प्रतिकृति बनाना, घ अनुवाद करना। आंसर होगा ख प्रोटीन संश्लेषण। प्रश्न संख्या 60, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। क केंद्रकीय झिल्ली में, ख कोशिका कला में, ग लाइसोसोम में, घ गुणसूत्रों पर। आंसर होगा घ गुणसूत्रों पर, क्रोमोजोम पर। प्रश्न संख्या 61, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। क फ्रेडरिक हॉफ मिस्सर, ख अल्ब्रेक्ट कोसेल, ग फोबस लेवेने, घ वाटसन एवं क्रिक। आंसर होगा क फ्रेडरिक हॉफ मिस्सर। प्रश्न संख्या 62, डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। क हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, ख सह संयोजक बंधन द्वारा, ग स्थिर वैद्युत बल द्वारा, घ वांडर वाल्स बलों द्वारा। आंसर होगा क हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। प्रश्न संख्या 63, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। क मिलर ने, ख खुराना ने, ग डी ब्रिज ने, घ कैल्विन ने। आंसर होगा ख खुराना ने। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस विषाणु की खोज हुई थी। क पोलियो, ख एचटीएलवी, ग टीएमवी, घ एचआईवी। आंसर होगा ग टोबैको मोजैक वायरस टीएमवी। प्रश्न संख्या 65, इबोला क्या है। क वायरस, ख बैक्टीरिया, ग प्रोटोजोआ, घ कवक। आंसर होगा क वायरस विषाणु। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार सुनिएगा। फिर से धन्यवाद।